My gym, boxing का area, punching bag, cross functional area, weight training का section भाई, gravity studio, full on club है यहाँ पे भाई, pilates classes होती है, बंदे नहीं बैठेंगे अगर workout नहीं करोगे, meditation yoga होती है, race course, extremely huge gym है, बता, crazy classes होती है यहाँ पे, jacuzzi, steam, sauna सब, squash courts यहाँ, coffee shop, tennis courts भी है यहाँ पे, tight routine बोलते हैं, एक दिन पहले plan करता हूँ, ये चीजें मैंने सीखी है मेरे दोस्त सैन कालरा से, मेरा fashion sense extremely poor था, fitness पसंद है तो definitely ये शहर आपके लिए है, yo what's up this is DBX on the बीट और आज हो रहा है बहुत ही बढ़िया दिन और गेस करो आज मैं कहाँ जा रहा हूँ कमेंट्स में लिखोगे नहीं यार वो वीडियो में पता लग जाएगा तो कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है कुछ और बढ़िया सा लिखना कमेंट्स में लिखो कंटेंट क्या पसंद आ रहा है भाई तुम क्या चाहते हो एग्जैक्टली मैं आयरलैंड में कवर करूँ दुनिया में कवर करूँ अगर मैं फेमस हो गया तो मैं दुनिया की भी वीडियोस कवर करूँगा बट फॉर नाउ आयरलैंड डबलिन बताना सो हाँ एनीवेज आज हम जा रहे हैं जिम यस जिम का आज मैं ब्लॉग कवर करने वाला हूँ ये मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था मैं जब से आया हूँ यहाँ पे मतलब अब तो काफ़ी टाइम हो गया 5 महीने हो गए हैं मैं ये ब्लॉग कवर करना चाहता था बट उस टाइम मेरी थोड़ी फटती थी उस टाइम मुझे पता नहीं था क्या कैसे होती है चीज़ें यहाँ पे क्या होता है तो एनीवेज आज हम जाएंगे जिम और आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हो अंधेरा ये देखो एक सेकंड पास करके दिखाते हैं ओहो अभी हो रहा है अच्छा खासा अंधेरा सुबह के बज रहे हैं 7:30 AM यहाँ पे सनराइज थोड़ा लेट होता है ये तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा यार अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे होगे या नहीं भी कर रहे होगे बट हाँ अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में रहे होगे यहाँ पे सनराइज एंड सनसेट का अलग ही सीन रहता है भाई 7:30 AM है पीछे देखो कैसा अलग सा मौसम हो रहा है एंड हाँ मतलब प्रॉपर दिन है कोई जल्दी भी नहीं जा रहा मैं जिम बट अंधेरा है और हाँ एक बहुत सेक्सी चीज़ और आज है -4 डिग्री सेल्सियस सड़क पे बढ़िया बर्फ जमी होती है मतलब वैसा नहीं एकदम वाइट नहीं छोटा छोटा सा ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो चलो एनीवेज अभी मैं थोड़ा प्री वर्कआउट खाना खा लूँ अपना थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा मैं ग्रीन टी पीऊँगा थोड़ा बहुत मे बी एक फ्रूट एंड निकलते हैं फिर लेट्स गो ड्राई फ्रूट्स ये रही मेरी ग्रीन टी मैं बेसिकली क्या करता हूँ मैं ना एक रात पहले ही मैक्सिमम काम करके रख लेता हूँ तो जैसे भाई जिम के कपड़े हो गए जिम में वर्कआउट करना क्या है वो कोई चीज़ें बेसिक सुबह सुबह की हो ना वो पहले ही करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को सुबह काम करना पसंद नहीं है मतलब सुबह ये ना हो कि मतलब सुबह काम नहीं सुबह चीज़ें ढूंढना और उसकी वजह से टाइम वेस्ट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए मैं एक रात को ये सारी चीज़ें एकदम पहले प्लान करता हूँ इसे नाइट रूटीन बोलते हैं और डे रूटीन बोलते हैं जिसमें मैं बेसिकली सारी चीज़ें लिख के रखता हूँ अब ये चीज़ें मैंने सीखी हैं मेरे दोस्त और बहुत ही फेमस यूट्यूबर से आप शायद उसे ऑलरेडी जानते हो सैन कालरा से वो एक मेंस फैशन इन्फ्लुएंसर है और उससे मैंने मतलब काफ़ी लाइफ ट्रिप लाइफ की ट्रिक्स एंड हैक्स सीखे हैं इवन फैशन सीखा है उसी से आपने अगर कोई मुझे पहले से जानता हो तो मेरा फैशन सेंस एक्सट्रीमली पुअर था मेरे मे बी इंस्टाग्राम पे ही या फिर फेसबुक में जाके देखो पुरानी फोटोज़ एंड मैं अराउंड 2022 के भी बाद बोलूँगा 2023 से ही 2022 के मिड से मैंने थोड़ा दिमाग लगाना चालू किया था अपने फैशन पे और फिर जाके मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया था तो सैन कालरा से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो मैं अभी वेदर की बात कर रहा था इतनी क्रेजी चीज़ हुई आज यहाँ बर्फ़ जमी हुई है मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ गाड़ियों के ऊपर तो ये देखो देख रहे हो प्रॉपर बर्फ़ की लहर है ये रही बर्फ़ सब गाड़ियों पे अच्छी खासी बर्फ़ जमी हुई है क्लियर करने का तरीका ये होता है कि आपको गाड़ी के ऊपर ना नॉर्मल पानी डालना पड़ता है और क्योंकि आपका भाई सुपरस्टार है हम जाएंगे -3 डिग्री पे साइकिल चला के ये तो मैं आ गया हूँ जिम के अंदर और यहाँ लॉकर्स हैं बट अभी पहले मैं जाऊँगा ट्रेडमिल चलाने तो ये मेरे पीछे है मेरा जिम काफ़ी क्रेजी है ये एक ही फ्लोर है जिम का यहाँ मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो बहुत मज़ा आता है ये रहा आपका भाई ये है पूरा फ्लोर एंड हाँ थोड़ा सा चलो फटाफट टूर देने की कोशिश करता हूँ मैं अभी भीड़ कम है तो सामने है रेस कोर्स तो देख रहे हो वहाँ सामने हॉर्स रेसिंग होती है मेरे एक ब्लॉग में मैंने दिखाया है वो भी तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है अंडर 15 जिम यहाँ पे खाली अंडर 15 लोग ही आते हैं तो ये है मेरे पीछे पूरा बॉक्सिंग का एरिया ये देखो यहाँ बॉक्सिंग होती है सामने है रिंग ये है अपना बॉक्सिंग बैग्स और ये देखो सही है ना भाई ये वो पंचिंग बैग
काफी इंसेन जिम है भाई, अलग ही फील है यहाँ की। ये छोटा सा क्रॉस फंक्शनल एरिया है यहाँ पे फिटनेस के बाहर, ये देखो ये वाला सेक्शन, ये है एक और वेट ट्रेनिंग का सेक्शन भाई, चेस्ट वाली वो मशीन है। इतना भाई एक्सट्रीमली यूज जिम है, बता रहा हूँ आपको, अलग ही फील है यहाँ की। ये देखो एक और सेक्शन डंबल्स वाला एरिया, ये है ग्रेविटी स्टूडियो, यहाँ पे पिलाटेस क्लासेस होती हैं। देखो सामने है माइंड एंड बॉडी स्टूडियो, वहाँ मेडिटेशन योगा होती है, मैं देखता हूँ अगर वहाँ खाली होगा तो दिखाऊंगा। ये है माइंड एंड बॉडी स्टूडियो आपका, देखो सामने वार्म अप एंड उसके बाद वेट्स। देखो सामने है रेस कोर्स, सही है ना, जिम विद अ व्यू। वार्म अप हो गया, अब मैं वेट सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। अभी आपको मैंने एक फ्लोर दिखाया, अब मैं दूसरा फ्लोर दिखाऊंगा। यहाँ पे होते हैं वेट्स, ये सामने वही जगह है जहाँ मैं क्लासेस करता हूँ, इसको बोलते हैं लेस मिल्स स्टूडियो। ये देखो फुल ऑन क्लब है यहाँ पे भाई, यही तो पसंद है मुझे शहर के बारे में। यो तो मेरे पीछे है ये लेस मिल स्टूडियो, वैसी चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए। तो ये मेरा जिम है, यहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे सारे वेट्स पड़े हैं, वहाँ वेट्स पड़े हैं, ये यहाँ पे जब क्लासेस होती है इट इज़ इक्वल टू बार रायल से, मतलब बहुत क्रेजी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। एंड हाँ तो वर्कआउट करना हो तो डबलिन आपके लिए बहुत अच्छा शहर है। चलो बाहर का दिखाता हूँ, ये सेक्शन मैंने आपको भी दिखाया था। ये है आपका वेट्स सेक्शन, क्रेजी है भाई ये, देख रहे हो सामने है रेस कोर्स, ये देखो रेस कोर्स। अब मैं चाहूँगा एब्स करने, ये है मेरा एब्स का सेक्शन, मेरा कूल डाउन भी हो गया, एब्स भी हो गई, अब फाइनली बाहर निकलते हैं यहाँ से। पूल बंद पड़ा है आज, वरना वहाँ पे जकूजी स्टीम सोना सब कुछ है। ये है स्क्वाश कोर्ट्स, यहाँ पे देखो ये स्क्वाश कोर्ट्स है यहाँ पे, क्रेजी जिम है भाई। ये देखो ये तीन चार स्क्वाश कोर्ट्स है यहाँ पे, भाई ने चेंज कर लिया क्योंकि बाहर है ठंड। लेफ्ट में है कॉफी शॉप, ये रही सामने कॉफी शॉप। हाँ भाई क्या सही मौसम हो रहा है बाहर, बाहर सामने रेस कोर्स है जो। हाँ भाई मैं ठंड लग रही है, मैं तो अंदर जा रहा हूँ, मैंने बताया था ना फेक धूप के बारे में, ये फेक धूप है, अच्छी खासी ठंड हो रही है बाहर। ओके ये जस्ट मैं बाहर आ रहा हूँ और अभी आपको एक और सेक्शन दिखाना चाहता हूँ मैं जिम का। अच्छा ये सामने है एक फन जोन, टेनिस कोर्ट्स भी है यहाँ पे, वो दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ये डोम्स बड़े बड़े, तो भाई ये जिम नहीं है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, जिम तो है ही नहीं है। देखो ये है फन जोन, फन फॉर द यंग। ये देखो ये रहे सामने टेनिस कोर्ट्स डोम के अंदर, ठंड ज़्यादा है तो लोग खेल नहीं रहे, बाहर चलते हैं। एक्सेस टू डोम टू दिस वे, ओके। एक और एरिया है पूरा टेनिस कोर्ट्स का, इतना टेनिस खेलते हैं क्या यहाँ पे, मुझे नहीं पता था। बेसिकली ऐसे दो डोम्स हैं, दोनों ही डोम्स में टेनिस कोर्ट्स हैं। क्रेजी था, काफ़ी इनसेन था। वर्कआउट करना हो तो डेफिनेटली आयरलैंड इज़ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वर्कआउट के बहुत शौकीन हैं और साइकिलिंग के बहुत शौकीन हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्रेजी इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी है, बट उससे ज़्यादा क्रेजी मेरी वाली खड़ी है भाई। चिल, पीस आउट, एंजॉय, अच्छा खाते रहो, अच्छा पीते रहो, वर्कआउट करते रहो, चिल करो भाई, मतलब बता रहा हूँ बंदियाँ नहीं बैठेंगी अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिम का टूर हुआ ख़त्म, ये था मेरा जिम। अगर आपको वर्कआउट फिटनेस पसंद है तो डेफिनेटली ये शहर आपके लिए है, मतलब इंडिया में तो मतलब क्या बोलूँ, मतलब आसपास भी कोई फिटनेस नहीं हो पाती थी, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे होती है। सो दिस इज़ माय जिम, इंजॉय लाइफ, इंजॉय करो, पढ़ाई करो, चिल करो, जॉब करो, जो करना है करो भाई, अपनी लाइफ में इंजॉय करना मेन है। वैसे तो मेरे को वर्कआउट से बहुत इंजॉयमेंट मिलती है, मेरा भी काफ़ी गैप हो गया था बट अब मैं वापस आ गया हूँ ट्रैक पे, पढ़ाई में थोड़ा, पढ़ाई की वजह से एक्चुअली मेरा वर्कआउट स्किप हुआ था जो मुझे बहुत बुरा लगा। बट एनीवेज This is DEVVEVE, this is DBX on the beat, signing off. Everything you need, you better rock your body now. Everybody!